ठीक है, और उसमें अपलोड कर दूंगा 8 बजे वाले प्लेलिस्ट में, एक्सप्रेस वाले में ही। अब देखो यहाँ पे, तो यूजर नेम और ये ईमेल भरा हुआ कहाँ से आ रहा है, आओ इनको दिखाओ, कोड दिखाओ। और से आ रहा होगा ना उठ के लॉग इन करने के बाद, जो सबको पता है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया होगा, राउट पे जाओ, राउट पे, वेब पे जाओ। सबसे पहले क्या करना होगा, राउट को सिक्योर करना होगा ना। कौन सा राउट है वो, बीटेक वाला, बीटेक फॉर्म वाला, ये लाइन नंबर 22, सबको दिख रहा है लाइन नंबर 22, यहाँ पे लिखा है एडमिन ऑथ, ठीक है। और एडमिन ऑथ पे चलना, एडमिन ऑथ पे चलो, वो मिडिलवेयर के अंदर ऑथ पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ इससे उठ के आ रहा होगा ना वो नाम, है ना, ये तो सबको पता है चीजें। चलो कंट्रोल में, चलो कंट्रोल में आ जाओ, बीटेक वाले में, कोर्स कंट्रोल में, कोर्स में फॉर्म कहाँ है, कौन सा वाला फॉर्म है, ऊपर होगा, ऊपर होगा, ऊपर हाँ। सब देखो ये लिखा है हमने REQ यूजर्स, और इसमें यूजर का नेम और इमेज, आईडी, ईमेल दे रखा है, दिख रहा है सबको। हमें नाम शो का कराना है बीटेक के फॉर्म पर, ये तो सबको पता है ना, ये तो करा कर चुकी हो, आरी की यूजर से भेज दिया, और यहां से पास कर देते हैं सब लोग, है ना। अब कोर्स फॉर्म पे चलना, इस वाले बीटेक वाले फॉर्म पर, बीटेक का फॉर्म दिखाओ उनको। और बीटेक के फॉर्म में हमने इनपुट में शो करा दिया, ऊपर नेम ईमेल दिखाओ, नेम ईमेल, नेम और ईमेल, ये कुछ दिख रहा है वैल्यू में, नेम और ईमेल, ये कहां से उठ के आ रहे होंगे, जब बंदा लॉग इन करता है ना तो वहां से उसके नेम और ईमेल उठ के आ जाते हैं, ठीक है। ये पार्ट कर लोगे सब लोग, जल्दी बोलो तो फिर आगे बढ़ू मैं तो बताते जा रहा हूँ सारी चीजें जो जो करानी है। तो अब आ जाओ, अब कोड में आ जाओ, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट चाहिए हैं नेक्स्ट जीएस में पढ़ाने के टाइम में मुझे आप लोगों से। चलो वेबसाइट पे आ जाओ, वेबसाइट पे, वेबसाइट पे चलो। अब फॉर्म भर के सबमिट करो, हाँ। चलो अब फिर से बैक करो, होम पे जाओ, देखो रजिस्ट्रेशन में कर दिया, फिर से बैक पे आओ, होम पेज पे आओ, होम पेज पे रजिस्ट्रेशन में, रजिस्टर पे क्लिक करो नीचे बीटेक वाले, फिर से। अब सब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं मन कहीं, बैक तो करो, बैक तो करो। अब आप सब देखो यहाँ पे, हमने एक बार बीटेक का फॉर्म भर के सबमिट कर लिया, अब हम दोबारा कहीं बीटेक का फॉर्म भर पा रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं, दिख रहा है ना सबको, बीटेक का फॉर्म एक ही बार तो भर पाएगा जो बंदा लॉग इन करेगा। अब यहाँ पे कौन सा बटन सो रहा है, डिस्प्ले वाला बटन सो रहा है, ठीक है। तो अब ये काम कैसे किया होगा तो वो अपन अब समझते हैं, ठीक है। चलो दिखाओ कैसे किया काम, अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोड में आ जाओ, कैसे किया बताओ तुमने, कैसे किया, कैसे हाँ। अब देखो हमने क्या किया, इंसर्ट वाला कोड कहाँ है,
अब यहाँ पे देखो जो आपको आईडी दिख रही है, सबसे पहले बीटेक के इंसर्ट में हम क्या किसकी आईडी भेज रहे हैं, सब लोग यहाँ देख लो, दिख रही है आपको आईडी अंडरस्कोर आईडी। हमने क्या किया, वहां चलना कोर्स मॉडल पे, चलो कोर्स मॉडल पे, कोर्स मॉडल पे हमने एक कॉलम बना, एक और ऐड कर लिया यूजर आईडी के नाम से। कोर्स मॉडल पे आ जाओ, कोर्स मॉडल पे सब लोग एक कॉलम और ऐड कर लो नीचे, सब लोग एक कॉलम ऐड कर लो कोर्स के अंदर यूजर अंडरस्कोर आईडी। हमें क्या करना होगा, जो बंदा बीटेक का फॉर्म भरेगा सबमिट करेगा, हम उसकी आईडी पहुंचानी होगी। और एक चीज और पहुंचानी होगी, वो बता रहा हूं अभी, यूजर की आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी कर लो सब लोग, कर लिया। चलो अब हमें कहाँ चलना होगा, बीटेक इंसर्ट के फॉर्म मेथड पे आ जाओ। इसके बाद बीटेक इंसर्ट के मेथड पे सब लोग, अब यहाँ पे ये वाला काम कर लो, बीटेक इंसर्ट हमने किया कि नहीं किया, अब नहीं किया होगा तो फिर अपन तो कुछ कर नहीं सकते इसके आगे। अब हमने बीटेक इंसर्ट पे क्या किया, लाइन नंबर 20 में req.user, ठीक है। अब req.user से हमने क्या निकाल ली, आईडी निकाल ली। अब जो आईडी कब निकलेगी, अब उसमें चलना, वेब में चलना, जब आपने उसको राउट को सिक्योर किया होगा तब, ये लिख रहा है बीटेक इंसर्ट वाला राउट सबको लाइन नंबर 23 पे, इसमें एडमिन ऑथ कर रखा है। अगर जो मैं ऑथ वाला नहीं करूंगा पार्ट, सबको पता है डेटा उठ के नहीं आएगा यूजर का, जो सब पता है ना इतना तो, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ उसी पे, आ जाओ कोर्स कंट्रोलर पे आ जाओ। चलो तो फिर अब req.user में उसकी आईडी ले ली हमने, अंडरस्कोर आईडी में क्या आ रहा होगा उठ के, जो बंदा लॉग इन करेगा उसकी आईडी। तो लाइन नंबर 32 पे देखो सब लोग, 32 पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर आईडी में आईडी स्टोर करा रहे हैं। किसकी आईडी स्टोर करा रहे हैं, जो बंदा लॉग इन कर रहा है उसकी आईडी स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। दो जारी आईडी सब लोग, इतना पॉइंट क्लियर है सबको। तो क्या होगा, जब हम बीटेक का फॉर्म भरेंगे तो उस, जब भी जो बंदा लॉग इन करेगा और बीटेक का फॉर्म भरेगा तो क्या चला जाएगा डेटाबेस में उठ के, उसकी आईडी चली जाएगी उठ के, ठीक है, यूजर आईडी के अंदर। ये बात क्लियर सब लोग। चलो अब क्या करना होगा, अब एक काम और करना होगा, डिस्प्ले वाला काम। और डिस्प्ले में अब एक ही डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। अब मान के चलो कोई नया बंदा आके फॉर्म भरेगा, कोई नया बंदा लॉग इन किया, रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, तो उसी बंदे को अपने ही तो फॉर्म देखना चाहिए, किसी और का देख नहीं पाएगा वो। डिस्प्ले में, डिस्प्ले को ब्राउजर में चलना, ब्राउजर पे आओ, ब्राउजर पे डिस्प्ले वाला पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे उसी बंदे का डिस्प्ले होगा जिसने बीटेक का फॉर्म भरा, जो बंदा लॉग इन कर रखा होगा, यहाँ पे बाकी किसी और लोगों का डिस्प्ले नहीं होगा आपको, ठीक है। जैसे आप अपना बैलेंस चेक करते हो तो आपको अपना बैलेंस तो दिखता है, या किसी और का बैलेंस चेक कर लेते हो, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया होगा, डिस्प्ले वाले मेथड पर कोड में आ जाओ, डिस्प्ले वाला मेथड दिखाना, बीटेक डिस्प्ले वाला। देखो यहाँ पे क्या किया, जो आईडी गई थी ना कोर्स के अंदर, जो कोर्स के अंदर यूजर आईडी नाम का हमने बनाया था ना कॉलम, दिख रहा है फाइंड, सब देख लो, यूजर अंडरस्कोर आईडी कोलन आईडी, ये लाइन समझ में आ गई होगी सबको, है ना। तो इससे क्या होगा, जो बंदा लॉग इन करेगा उसी को डेटा दिखेगा। मैं हम क्या कर रहे हैं, जो बंदा लॉग इन कर रहा है कोर्स वाले मॉडल में उसकी आईडी पहुंचा देते हैं जब भी वो फॉर्म भरता है, ठीक है, जिससे हमारा डिस्प्ले होने लगता है। ये वाली बात क्लियर सबको, दो पॉइंट क्लियर हो गए। चलो अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, आप आराम से कर लेना, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब तीसरा पॉइंट जो आता है कि वो उसका ना कोड पे आओ,
कोड पे आ जाओ, ब्राउजर पे, ब्राउजर पे आ जाओ, ब्राउजर पे बैक कर लो। हाँ, अब यहाँ पे बटन डिस्प्ले वाला कैसे आ रहा होगा, जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले वाला बटन स्क्रीन पर है ना, तो ये उठ के कैसे आ रहा होगा। तो अब मैं ये क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, जो कोर्स वाला मॉडल है उसके अंदर यह आईडी गई हुई है, इस बंदे ने लॉगिन कर रखा है। अगर आईडी गई होगी तो हम क्या कर लेंगे, वो बटन को डिस्प्ले करा देंगे, और नहीं गई होगी तो रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, है ना। चलो आ जाओ, इसका मेथड दिखाओ, इसका मेथड दिखाओ, डिजाइन दिख रही, डिजाइन ये तो वहां पे होगा ना, वहां पर है, यूजर कंट्रोलर पे होगा शायद, है ना, यूजर कंट्रोलर पे। नीचे आओ, नीचे होगा, हाँ यही सब देखो, सब देखो निकल गया, सब देखो ये हमने किया, देखो हम कैसे मैच करा रहे हैं बीटेक पे, सब देखो दिख रहा है बीटेक में, हम क्या क्या चेक करवा रहे हैं, एक तो हम यूजर की आईडी चेक करवा रहे हैं, और एक कोर्स में बीटेक है कि नहीं है, मतलब हमें क्या करना है, हम कोर्स मॉडल में जाके ये देख रहे हैं कि जो बंदा लॉग इन कर रहा है उसकी आईडी है कि नहीं है, और दूसरा क्या कोर्स उसका बीटेक है, दिख रहा है ना दोनों चीजें, लाइन नंबर 29 पे देख सकते हो आप लोग कोड, अगर दोनों चीज हैं तो हम क्या करेंगे, बटन को डिस्प्ले कर देंगे, और नहीं होंगी दोनों चीजें तो जो एंड वाले कंडीशन लगी हुई है, यूजर आईडी भी होनी चाहिए बंदे की, और कोर्स में बीटेक भी होना चाहिए, बीटेक ठीक है, और जी बी डॉट टेक कौन सा है, जो आपके डेटाबेस में गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमने तीनों कर लिए, बीटेक, बीसीए, एमसीए, ठीक है, और तीनों को हमने पास कर दिया कहां पर, होम वाले पे, दिख रहा है ना सबको, बीटेक, बीसीए और एमसीए, तीनों चीजें, ये वाली बात क्लियर है सब लोग। चलो अब इसके बाद हमें कहां चलना होगा, होम वाले ईजीएस पे चलना होगा, वहां पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, होम की ईजीएस पे आ जाओ, देखो जो कंडीशन लगी है लाइन नंबर 142 पे लगाए, इफ ऊपर से ऊपर चलो, ऊपर ऊपर चलो, और ऊपर बीटेक वाले पे देखो ऐसे लिखा है, इफ बीटेक, अगर बीटेक में सब कुछ आ रहा होगा, देखो बीटी में अगर यूजर की आईडी भी आ रही होगी कोर्स मॉडल में, और उसका कोर्स भी आ रहा होगा बीटेक, तो हम क्या दिखा रहे हैं, डिस्प्ले करा देंगे बटन, और अगर नहीं आ रहा होगा तो रजिस्ट्रेशन पे करा देंगे, ठीक है। और नीचे आओ, सेम चीज आप यहाँ एस एस में किया है हमने, ठीक है, बीसीए में सेम चीज, फिर नीचे आओ, सेम चीज हमने फिर यहीं ऐसे सेम यहाँ पे किया है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इससे हमारे तीन काम हो जाएंगे, फ्रंट एंड पे आना, फ्रंट एंड पे आ जाओ, हाँ देखो पहला काम हमने क्या बताया आपको, कि जब हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो नेम ईमेल भरा हुआ आना चाहिए, ये सब किससे होंगे, जब तक आपकी लॉगिन वाला सिक्योर नहीं होगा और से नाम नेम उठ के नहीं आएंगे, तब तक ये आप काम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब तक ये काम आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना, अगर ये एडमिशन पोर्टल नहीं क्लियर हुआ ना तो आप लोग एपीआई नहीं बना पाओगे, तो आप बैठे ना बैकएंड में आराम से, क्योंकि ये सब काम एपीआई में फिर से होगा, तो वो तो मैं आप लोगों को करने को दूंगा चीजें सारी, ये है ना, कोई बार बार तो बताऊंगा नहीं चीजें। चलो तो अब दूसरा काम क्या किया हमने, कि जब हम बीटेक का फॉर्म भर के सबमिट कर लेंगे तो जिस बंदे ने लॉग इन किया होगा उसी का डेटा डिस्प्ले होगा, है ना, वो हो रहा है आसानी से। फिर तीसरे काम क्या किया हमने, कि जब बीटेक का फॉर्म भर लेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले वाला बटन दिखेगा, ना कि बीटेक वाला बटन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन वाला बटन, तो ये वाला भी काम हो गया। ये तीन काम हो गए जो हमें करने थे फ्रंट पे, ये तीनों काम कर पाओगे आप लोग। अरे बोलो तो आगे तो बढ़ू,
डिस्प्ले वाले पेज पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखो स्टेटस में सब लोग एक कॉलम लेके चलना, पेंडिंग दिख रहा है सबको स्टेटस, और उसमें दिखाना डेटा, दिखाना बीटेक वाला कोर्स, दिखाना कोर्स वाला, कोर्स में एक और लेके चलना स्टेटस बाय डिफॉल्ट पेंडिंग दिखा देना, कोर्स मॉडल दिखाना, कोर्स मॉडल दिखाना, कोर्स मॉडल ऊपर चलना, वो कौन गया इसमें पेंड स्टेटस कहाँ है इसमें, स्टेटस दिया नहीं यहाँ पे, स्टेटस आ जा रही है, स्टेटस मैं कौन करूँ, अच्छा तो एक कॉलम ऐड कर दो, एक कॉलम ऐड कर दो स्टैटिक बाय डिफॉल्ट पेंडिंग पहुंचाना, कोर्स में चलो कोर्स में, और कमेंट में बाय डिफॉल्ट वेट वेट दिखाना, सब लोग कोर्स में दो कॉलम ऐड करके चलना, एक नीचे सबसे नीचे कर लो, सब नीचे कर लो, हाँ स्टैटिक स्टेटस स्टेटस दिखाओ बाय डिफॉल्ट लिखो, नीचे पेस्ट कर लो ना इसी की यूजर आईडी नीचे पेस्ट कर लो, नहीं पेस्ट कर लो यूजर आईडी नीचे, यहाँ लिखो स्टेटस, बाकी लोग बढ़ाना कॉलम जे स्टेटस भैया कर दो डिफॉल्ट पेंडिंग रिक्वायर्ड, अरे टाइप तो रहेगा, टाइप तो रहेगा ही, टाइप तो स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड आ दो डिफॉल्ट लिखो, डिफॉल्ट रिक्वायर्ड आ दो सिंपल लिखो, डिफॉल्ट कोलन उसमें लिखो डबल कोट पेंडिंग DEFAULT आएगा, डिफॉल्ट DEFAULT है बस, है स्पेलिंग सी लिखो, हाँ DEFAULT डिफॉल्ट DEFA डिफॉल्ट डबल कोट लिखो, पेंडिंग पेंडिंग, और एक और ले लो कमेंट, कमेंट बेट कमेंट में पेंडिंग कर देना, कमेंट ही आएगा, हाँ कमेंट कमेंट भी कर दो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग ही कर दो, ये दो ठीक है, चलो आप लोग ये दो कॉलम ऐड कर लेना, तो इतना काम कर लोगे नेक्स्ट क्लास तक आप लोग।